माता बहन युवा साथी प्यारे बच्चों, दूर दराज क्षेत्रों से पधारी हुई कीर्तन मंडलियों के आदरणीय महानुभाव धरसोने कीर्तन मंडल आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत है और आपको सादर प्रणाम करता है, राम राम सा करता है। प्रसंग के साथ साथ हम सब कुछ लेकर के चलते हैं तो बुजुर्गों के लिए बहुत प्यारा प्रसंग भी सुनाएंगे और मेरे युवा साथियों के लिए छोटा माटा कहते ना चुटकुला, तो जो जो भैया गुड्डू बजीरपुर वाले कई दिन से सिर्फ चुटकुले चुटकुले ही सुना रहे हैं तो उसका भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो शुरू आपने किया जब आप जवाबी से उतर करके पुनः फिर वृतांत सुनाने पर आ गए तो आपको जवाबी की जरूरत क्या थी। आपने शुरू में ही एक शुरुआत की थी कि टुकड़ा पुआ के, कल से ही मैंने सुना तो जो मिश्रा पुआ है वो पुआ जो है वो बदल करके बुरे से टेंटुआ के पर पहुंच गया। अब बताइए दो शब्दों से तीन शब्दों पर पहुंच गया तो मैं तो दाद दूंगा तुम्हारे इन मिश्रों की कि तुम पुआ से पहुंच करके चैतुआ पर टेंटुआ पर पहुंच गए। लेकिन कहना है क्या आपने जो कहा वो मेरे भाइयों के लिए कहा, मेरे लिए कहा, बराबर बात है। हमसे भी जो स्पेशल कहा उसकी भी बात करेंगे। हूं मैंने परखी लीनी डार हसीना चैतुआ के, ओ बेशर्मी लीनी धार बुरे से टैटुआ के, ओ बेशर्मी शर्माई, बेशर्माई इसमें आता ही नहीं है तो चार अक्षर नहीं आते, तीन आते, उसको सुधार दिया है हमने, उसको ऐसे लिख लेना आप। अब हम भी कुछ कहेंगे आपसे और इसी मिश्रे के साथ चलेंगे आपके साथ में। राधे, सभ्यता हमारी संस्कृति है लेकिन आप बार बार कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भैया मैं तो उसमें ही चलूंगा अनुशासन में, लेकिन आप फिर भी आप कह रहे हैं बेशर्मी, गुरु नीच, सब कुछ तो कह रहे हैं आप छोड़ क्या रहे हैं। तो हम तो कुछ कुछ ही कह रहे हैं आपसे और वो आप इसको ग्रहण करें जो हम कुछ दे रहे हैं आपके लिए। तू चोरन को सरदार, तू चोरन को सरदार फेंटुआ फेंटुआ के, श्री कृष्ण भाई चोरन को तो सरदार है, क्या बात, और फेंट भू लगावे फेंटुआ, तो प्रत्यय लगाया गया है आ, प्रत्यय लगा है आ। ये 3151 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय भाई साहब दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। फेंटुआ क्योंकि चोरी ही तुम्हारा धंधा है, आपका अपने पास कुछ भी नहीं है। तू चोरन को सरदार फेंटुआ फेंटुआ के, ओ तू शर्मदार बेजोड़ रहटुआ रहटुआ के, ओ तू शर्मदार बेजोड़ रहटुआ रहटुआ के। हम तो शर्मदार कह रहे हैं तोते और तू हमते बेशरम कह रहे हो, हम तो बढ़िया ही बात तो कह रहे हैं साहब, गलत तो कछु कहना रे, शर्मदार ही तो कह रहे। जब जब तेने, हाँ साहब, ये 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय सूबेदार अतर सिंह जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राम सिंह जी जगदंगला निवासी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तू शर्मदार बेजोड़ रहटुआ रहटुआ के, ओ तू शर्मदार बेजोड़ रहटुआ रहटुआ के। आपने कहा बुरे से टेंटुआ के, मतलब आपने शारीरिक टिप्पणी की, तो हमने आपसे कहा रहटुआ से, हम गलत का कह रहे हैं बताइए आप।
ये कैप्टन राम भरोसी डागोर जटमंगला 100 रुपए का आशीर्वाद देते हैं, बहुत धन्यवाद। जब जब तेने माल चुरायो रे टूट गई तेरी, जब जब तेने माल चुरायो रे टूट गई तेरी, तेने जब जब माल कोई को चुरा के जब गावे तो रिदम जरूर टूट जाए, तो रिदम तेरी बनी नहीं है अभी तक। भाग्यो भाग्यो फिरो भगोड़ा कब कब इज्जत तेरी, भाग्यो भाग्यो फिरो भगोड़ा कब कब इज्जत तेरी। 100 रुपए बाबू सिंह जी शेरपुर 100 रुपए का आशीर्वाद देते हैं, बहुत धन्यवाद आशीर्वाद की कामना करते हैं। और हम एक बहुत कड़े शब्द का प्रयोग कर रहे थे, कड़ो तो कछुनाओ रिश्तेदारी को शब्द हो, पर हमारे बुजुर्ग ने वो हटवा दियो कटवा दियो, तो एक हल्को सो ही शब्द लियो है ना भैया, सही बोले भाई। और ये 101 रुपए का पुरस्कार मनोज भैया जी, 100 रुपए बरेगवा के मार साहब जी देते हैं, 100 रुपए प्रधान जी ढिंडोरा निवासी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद की कामना करते हैं। और ये जो अभी गए थे आदरणीय स्वर्गीय गुमान सिंह जी के भाई मनोज जी गए थे, वो 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्यो भाग्यो फिरो भगोड़ा कब कब इज्जत तेरी, ओ भाग्यो भाग्यो फिरो भगोड़ा कब कब इज्जत तेरी। और ओ तू किसने दिया बना, हल्को ही शब्द है ज्यादा, ओ तू किसने दिया बनाए घेंटुआ घेंटुआ से, ओ तू किसने दिया बनाए घेंटुआ घेंटुआ से, ओ तू चोरन को सरदार घेंटुआ घेंटुआ से, तू चोरन को सरदार घेंटुआ घेंटुआ। 100 रुपए का आशीर्वाद जगदीश मास्टर जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद की कामना करते हैं। और उन्होंने कहा कांच और हीरा में राधा और मीरा में फर्क नहीं होता तो बिस कौन पीम तो, फर्क नहीं होता तो बिस कौन पीम तो, फर्क नहीं होता तो बिस कौन पीम तो। और बिना ही गाए बता दूं कि कौवा और हंस और कौवा में और पंडित और नौवा में फर्क नहीं होता तो पाम कौन छीम तो। अब एक चीज बताओ गुड्डू जी भाई साहब, यहाँ मेरे भैया जो नाई का काम करते हैं जाति नाई से हैं, क्या आपने उनका अपमान नहीं किया इस जगह से? क्या बिना नाइयों के आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है? क्या बात, नाई हमारे लिए सिरोधार्य होते हैं और आपने उन नाइयों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। आप 28 साल से गात गा रहे हैं, मैं कहूंगा आप में 28 सेकंड की भी बुद्धि नहीं है। और हम कहेंगे इसी शब्द में, हम आपने हमको बताया कौआ, अब तुम मेरी बगल में खड़े है जाओ, चाहे कोई से की बगल में खड़े है जाओ, अपने आप ही जनता बता देगी कि कौआ कौन है और हंस कौन है। क्या बात है, अच्छे और बिगड़े में घर और पिंजड़े में, अच्छे और बिगड़े में घर और पिंजड़े में फर्क नहीं हो तो दास कौन जाच तो, फर्क नहीं हो तो दास कौन जाच तो। और तुम नाच नाच के जो गा रहे हो ना, तो समझ जाना मैं क्या कह रहा हूं। अच्छे और बिगड़े में घर और पिंजड़े में फर्क नहीं हो तो दास कौन जांच तो, सांचे और बिगड़े में सांचे और बगड़े में आदमी और हिजड़े में फर्क नहीं हो तो यहां कौन नाच तो, फर्क नहीं हो तो यहां कौन नाच तो, फर्क नहीं हो तो यहां कौन नाच तो। एक सुंदर सा रोचक सा प्रसंग निकाले, हमारे बुजुर्ग लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, तो आपने हमारे एक सवाल का जवाब नहीं दिया,
और चलिए छोड़िए सवाल जवाब, तो आपने धुन को छू कर के भी नहीं दिखाया और आप कहते हैं मैं 28 साल से गाना गा रहा हूं, ये तो हमें तो बहुत इस बात पर संदेह है। धुन बोल भी हमें छाती पड़ जाएगी भैया, छाती धुन की तो कचूमर ने काट दे भैया मास्टर जी। और ये 101 रुपए का पुरस्कार ये आपके बीच में हमारे करौली धौलपुर के लोकप्रिय सांसद मनोज जी राजौरिया पधार चुके हैं। हम जनता जनार्दन से निवेदन करते हैं कि जैसी आप ओ ऐसे ना जा खफा होके दिल मेरा तोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे अपना शहर छोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे अपना शहर छोड़ के। करते हैं स्वागत, करते हैं स्वागत आपका हम दिल शान से, और हम प्रेम पुष्प देते हैं आपको बड़ी शान से, हम प्रेम पुष्प देते हैं आपको बड़ी शान से। करते हैं स्वागत आपका हम दिल जान से, हम प्रेम पुष्प देते हैं आपको बड़ी शान से, हम प्रेम पुष्प देते हैं आपको बड़ी शान से। और कहा है सांसद हैं राजौरिया जी सबके सहायक है, सांसद है राजौरिया की सबके सहायक है, उन्हें पुनः इनको ही बुलाओ इसके लायक है, उन्हें पुनः इनको ही बुलाओ इसके लायक है। सुनती है जनता इनको, सुनती है जनता इनको भरती है धन्यवाद राजौरिया जी को गवाए। आदरणीय सज्जनों, चूंकि और भी पार्टियां इंतजार कर रही हैं, समय नहीं लूंगा, यह कार्यक्रम भी अपना है, अपने भाइयों का है, हमारा कार्यक्रम है, तो चलते हैं उस महाभारत के समय में, जैसे गुड्डू भैया कह के गए थे कि पांच बाण और कवच लेने के लिए चली गई थी, तो मैं भी वहीं से आगे बढ़ाता हूं कि जब माता कुंती कर्ण के पास चली जाती है और कर्ण से कहती है कि तुम्हारे भाई हैं, वो पांच भाई हैं, वो तुम्हारे भाई हैं, तुम उनके साथ हो जाओ, युद्ध छोड़ दो इत्यादि बातें करती है। कर्ण एक ही वादा करते हैं कि मां ऐसा तो संभव नहीं हो सकता, लेकिन इतना मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे जो चार पुत्र हैं केवल अर्जुन को छोड़कर वो मेरे समक्ष आएंगे तो मैं उन्हें जीवन दान दे दूंगा, लेकिन यदि अर्जुन मेरे समक्ष आता है तो मैं उसे जीवन दान नहीं दे सकता, या तो अर्जुन रहेगा और या कर्ण रहेगा। आदरणीय युद्ध का मैदान पहुंचिए उस जगह पर कि जहां अर्जुन और कर्ण के मध्य बड़ा घमासान युद्ध होता है। लड़ते लड़ते कर्ण के रथ का पहिया जमीन के अंदर चला जाता है, आहा, और कर्ण असहाय हो जाते हैं, और उस असहाय होने की स्थिति में कर्ण क्या कहते हैं सुनिए। ये धर्षोनी कीर्तन मंडल प्रस्तुत करता है आपके समक्ष वह ऐसा वृतांत जिसे संसार भर में युगों युगों तक गाया जाता है। खुशी का है मौका,
मगर क्या करूं मैं, नहीं और कोई खुशी का तराना, मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना। और कर्ण, कर्ण क्या कहता है सुनिएगा ध्यान से। अरे आज दिन है कैसा मेरी जिंदगी का, हो चलो। अरे आज दिन है कैसा मेरी युद्ध जीते और जिस रथ ने, जिन अश्वों ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, आज ऐसा क्या हो गया कि मेरे रथ का पहिया जमीन के अंदर धस गया है। विप्ति मेंबर जी 51 रुपए का आशीर्वाद देते हैं। हिंडोन निवासी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो कर्ण असहाय हो जाते हैं, क्या कहते हैं, पहाड़ों के बीच मेरे रथ को निकालू कैसे, को
पुरस्कार हमारे आदरणीय मास्टर जी मेघश्याम कटारा निवासी हमें पुरस्कार देते हैं 100 रुपए और दिए हैं, वो अपना नाम बता जाएं कृपा करके। तो कर्ण मोहित हो जाते हैं और कर्ण को एक श्राप था और या यूं कहें कि वरदान था कि कर्ण का जो संहार है वो तभी हो सकता है। ये मत समझिए कि सिर्फ कवच कुंडल चले जाने से कर्ण का संहार हो सकता था, नहीं। यदि वो मोह से ग्रस्त हो जाते हैं तो कर्ण का संहार संभव था, अन्यथा फिर भी संभव नहीं था, चाहे उनके पास कुछ भी नहीं था। क्या बात, लेकिन कर्ण इस जगह पर इस स्थान पर मोह से ग्रस्त हो गए। भैया जी ये रुपया दिखा रहे हैं हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। मुझे और नाम भी बता दें। हाँ जी, तो 101 रुपए का पुरस्कार हरीश पाठक पीटीआई जी बहादुरपुर निवासी, भैया स्टाफ है, स्टाफ की याद है। और ये 101 रुपए का पुरस्कार रमन मंडावरा जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और 101 रुपए खोबीराम जी हवलदार जटनगला निवासी, और 101 रुपए बाबूलाल जी डागोर आईपीएफ आरपीएफ जटनगला निवासी, और 10 रुपए संत भगवान जी के आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। सुनिएगा सज्जनों कि कर्ण उस जगह मोह से ग्रस्त हो जाते हैं। हेलो हेलो, श्री राधे। विशंबर दयाल शर्मा जी रिटायर्ड, अभी बता के गए थे एसडीएम, यहीं के निवासी, 101 रुपए का आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। अब कर्ण मोह से ग्रस्त हैं और क्या कह रहे हैं सुनिएगा। गोदी मिली ना मां की, गुरु ने ना ज्ञान दिया, गोदी मिली ना मां की, गुरु ने ना ज्ञान दिया, गोदी मिली ना मां की, गुरु ने ना ज्ञान दिया, गोदी मिली ना मां की, गुरु ने ना ज्ञान दिया। एक था सुयो रह गई और कर्ण कमजोर पड़ गई। कर्ण सोचते हैं कि ना तो गोदी मिली जैसे जन्म लिया, वैसे ही मेरी माता ने मुझे एक डिब्बे में बंद करके पानी में प्रवाहित कर दिया, ना मुझे मां मिली ना मां का प्रेम मिला। और जब मैं गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए गया तो एक बार दुत्कार दिया गया, आहा। फिर जब मैं छदम रूप से मैंने शिक्षा लेनी चाही तो गुरु को पता चल गया और गुरु ने श्राप दिया कि हे कर्ण
तुमने जो शिक्षा प्राप्त की है तुम्हारे बहुत जरूरत के समय वो काम नहीं आएगी, क्योंकि तुमने छल से विद्या प्राप्त की। क्या बात! तो मेरे पास अपना अब कुछ नहीं, ना गोदी मिली ना कुछ हुआ, और जो सूर्य का पुत्र था आज सूत पुत्र कहलाता है। आदरणीय सज्जनों, कर्ण मोह से विमुख हो गए, युद्ध नहीं रह गया। एक 101 रुपए का पुरस्कार तेज सिंह पटेल जी देते हैं हमें, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। कर्ण जिसने समस्त संसार को दान दिया जो उसके दरवाजे पर आया, लेकिन एक आज ऐसा समय आया सज्जनों कि कर्ण आज समय का दान अर्जुन से मांगता है। कहता है कर्ण कि सिर्फ एक सुयोधन था जिसने मुझे सम्मान दिया, बाकी किसी ने मुझे सम्मान नहीं दिया, मुझे अपमान की दृष्टि से देखा। क्या बात! क्योंकि आपको याद होगा वो स्वयंवर जहां द्रौपदी ने भी उसे दुत्कारा था। सुनिएगा क्या कहते हैं कर्ण। समय दान दे दे अर्जुन, आज दान मांगता हूं। संहार श्री कृष्ण तो चल ही रहा है ना कल से, के कृष्ण कृष्ण तो कृष्ण ने क्या क्या नहीं करवाया वो भी इसका एक उदाहरण है। चलते हैं आगे। उसी मैदान में जब मामा शकुनी और सहदेव के सामने आ जाते हैं, तो जो मूलतः महाभारत की जड़ थी उनमें शकुनी भी एक था, बड़े बड़े कारण रहे, और जो ये मामा होते हैं के जो काम है बड़े नामा होते हैं, तो सहदेव के समक्ष मामा शकुनी छोटा सा एक संवाद दोनों में आपस में क्या होता है, क्योंकि शकुनी मामा का मारना अत्यंत जरूरी है, तभी तो महाभारत ये महाभारत का अंत होगा। जो कल से महाभारत शुरू किया वो आज अंत की ओर है, तो शकुनी नहीं मरे तो महाभारत कैसे बंद हो। आदरणीय सज्जनों आपकी सेवा में प्रस्तुत है। वो दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था, श्री राधे वो क्या होगा 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 तुझे सोचना था, वो क्या होगा 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 ये
वो लड़ने लगा। क्या बात, वो लड़ने लगा, ओ मामा तुझे होश ना था। वो लड़ने लगा, ओ मामा तुझे होश ना था। वो क्या होगा 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 तुझे सोच से जोड़ करके नहीं देखा जाए। खेला है खेल तूने बड़ी बेईमानी में, खेला है खेल तूने बड़ी बेईमानी में, खेला है खेल तूने बड़ी बेईमानी में, खेला है खेल तूने बड़ी बेईमानी में। पुरस्कार राधे राम जी यही के निवासी देते हैं, बहुत धन्यवाद आशीर्वाद की कामना करते हैं। बेटी आदरणीय सज्जनों, इस तरह से सहदेव शकुनी से बहुत बुरी बुरी बात करता है, क्योंकि वह शकुनी था जिसने दोनों भाइयों दोनों बीच में इस तरह के मतभेद पैदा किए और नष्ट कर दिया। आपको पता होगा कि शकुनी का भी पुरानी दुश्मनी थी उस राज्य से, जैसे कृष्ण और वैसे ही शकुनी की भी थी। तो दोनों साइड से लगे हुए थे भाई भाई को लड़ाने में। कहा बेटी समान तूने या
क्योंकि अब राउंड तो होना नहीं है, विदाई की वेला है, दो मिनट लेंगे बस आपके इस प्रेम के लिए। दो शब्द हैं, ऐसे ना जा खफा होके दिल अपना तोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। और मेरा घर था ये, जैसे राम और भरत का मिलन होता है वैसे ही मैं यहां पर आया। मेरे अनुरोध पर, मेरा जहां मैंने कहा कि मेरी व्यवस्था इस नंबर से बैठ जाती है, उसी नंबर पर मेरी व्यवस्था बैठाई। मेरा घर का काम था इस वजह से, लेकिन फिर भी चंद लोगों ने घुसपैठिया कहने से भी बाज नहीं आए। क्या बात! लेकिन पार्टी से मैं कुछ नहीं कहूंगा, उनके व्यक्तिगत शब्द थे वो, तो वो खुद ही समझ लें इस बात को कि हम भी बहुत कुछ इस मंच से कह सकते हैं। हम घुसपैठिए नहीं, हम घर के व्यक्ति हैं और हम हमारे अनुसार इस कार्यक्रम को चला सकते हैं। तो आपका प्रेम मिला, जगह जगह सत्कार मिला, दो शब्द आपके लिए, इतना सम्मान हमें कहीं नहीं मिलता जितना हमें इस पूरे जगरोटी क्षेत्र में मिलता है, क्योंकि हम भी डागर और इसी क्षेत्र से निकले हुए हैं और हमें इस बात पर बड़ा गर्व है। क्या बात! जो हमें दिया है प्रेम, प्रेम की चादर ओढ़ के, जो आपने प्रेम दिया उस प्रेम की चादर को ओढ़ करके जा रहे हैं। जो हमें दिया है प्रेम, प्रेम की चादर ओढ़ के, और हम आज चले जाएंगे अपना असर छोड़ के, हम आज चले जाएंगे अपना असर छोड़ के। वो जो हमें दिया है प्रेम, प्रेम की चादर ओढ़ के, हम आज चले जाएंगे अपना असर छोड़ के, जत मंगला से चले जाएंगे अपना असर छोड़ के। मोहन और रसगुल्ले भैया के घर में, खीर मोहन और रसगुल्ले भैया के घर में, और खूब जलेबी मालपुए भैया के घर में, छोड़ के हम आज चले जाएंगे अपना असर छोड़ के। और ये 101 रुपए का पुरस्कार दिनेश पत्रकार जी जटनगला निवास